हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मिक्स ड्राइंग में। आज हम पर्वतीय दृश्य बनाना सिखाऊंगा बहुत सरल तरीका से। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो सीख जाएंगे पर्वतीय दृश्य बनाना। पर्वतीय दृश्य बनाने के लिए रेखा को इस प्रकार खींचते हैं, ऐसे आप भी खींचें। यहाँ पर पौधे का ड्राइंग करेंगे, इस प्रकार से आप भी ड्राइंग करें। यहाँ पर दो औरत का चित्र बनाएंगे, इस प्रकार ऐसे आप भी बनाएं। अब सभी लाइन को डार्क कर लेते हैं। पेंसिल कलर के सहायता से पर्वत को कलर करेंगे। पहले इस प्रकार से आप भी कलर करें, जैसे आप देख रहे हैं इसी प्रकार आप भी कलर कर लें। भूरा कलर से हल्का कलर करते हैं, पेंसिल हमेशा हल्का चलाते हैं। इस प्रकार आप भी चलाएं। इसके पश्चात पीला कलर का प्रयोग करें, आवश्यकता अनुसार कलर का प्रयोग करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। नीला का भी प्रयोग कर लें, ऊपर हल्का नीचे डार्क कलर करते हैं। इस प्रकार आप भी कलर करें। जल कलर करने के लिए पेंसिल को इस प्रकार चलाते हैं, आसमानी कलर का प्रयोग करते हैं। धरातल में भूरा कलर का प्रयोग करें। इस प्रकार आप भी हल्का कलर कर लें। महिला का चित्र इस प्रकार कलर करते हैं। पौधे में भूरा कलर प्रयोग करें। नीचे डार्क, ऊपर हल्का कलर प्रयोग करते हैं। प्रकाश दिखलाने के लिए पीला कलर प्रयोग करें। पौधे में इस प्रकार कलर करते हैं। दूरी दिखलाने के लिए दूर की वस्तु पर हल्का कलर करते हैं, पास डार्क कलर करते हैं। इस प्रकार आप भी कलर करें। धरातल में कहीं कहीं हल्का कलर प्रयोग करें।
आकाश में हल्का आसमानी कलर प्रयोग करते हैं। ऐसे आप भी कलर करें, आवश्यकता अनुसार कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लैक पेंसिल की सहायता से सभी लाइन को लाइनिंग करेंगे। इस प्रकार आप भी लाइनिंग करें। धरातल में घास बना लें। इस प्रकार लाइनिंग करते हैं।